हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर 8 है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, इसमें लेक्चर में हम लोग क्या है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है फर्स्ट क्या बोलता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तीन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। If we multiply third number by 3, यदि third number को हम 3 से multiply करें and add second number और second number में क्या कर दें, add कर दें, क्या we get 11, तो हम लोग को resultant क्या मिलता है, 11 मिलेगा। फिर होता है by adding first and third number, यदि first और third number को add किया जाए, क्या है we get double of second number, second number का क्या मिलता है हमको, दो गुना मिलता है। क्या represent it algebraically and find the numbers using matrix method, सबसे पहले क्या करना है, दिए गया जो वर्ड दिया गया वर्ड प्रॉब्लम है इसको algebraically तो क्या करें, रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब इसका हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार करेंगे, उसके बाद इसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो तीन नंबर मेरा क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, लेट एक्स वाई जेड बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए फर्स्ट नंबर मेरा एक्स, सेकेंड नंबर क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर, क्या क्रमशः ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवेन कंडीशन वी हैव, दिए गए कंडीशन के अनुसार देखते हैं कि मेरा लीनियर इक्वेशन क्या आता है। पहला बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 6 है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या बोलता है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, यदि तीसरे वाले संख्या को, थर्ड नंबर मेरा क्या है जेड है, थर्ड नंबर को कितना से मल्टीप्लाई करने बोला है, क्या है 3 से, एंड एड टू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है वाई, वाई में यदि इसको मैं एड कर दे देन वी गेट कितना, 11, तब मेरा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब क्या है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला और तीसरा नंबर को ऐड किया जाए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू, ऐड किया जाए, क्या है वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का क्या मिलता है, डबल मिलता है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। तो ये मेरा क्या मिल गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गया है। अब तो इसको क्या करेंगे, सबसे आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, यहाँ वाई एक्स का टर्म नहीं है, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 11, ये हो जाएगा एक्स, 2 वाई को उधर जाते हैं, माइनस 2 वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या हो गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया है। इसको हम लोग सॉल्व करने जानते हैं कौन मेथड से, बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। लेट ए, ए हम लोग किसको मानते हैं, जो लीनियर इक्वेशन दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसको क्या मानते हैं, हम लोग मैट्रिक्स ए मानते हैं। क्या होता है, यहां से 1 1 1, फिर कितना है 0 1 3, फिर कितना है 1 माइनस 2 1, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स ए। एक्स किसको मानते हैं, वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, एंड बी, बी किसको मानते हैं, जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है, तो कितना है 6 11 0, ये हो जाएगा 6 11 0। अब क्या करते हैं इस मैट्रिक्स का, सब क्या करते हैं इसको हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो जाएगा गिवेन सिस्टम ऑफ
linear equations can be written as, लिख सकते हैं इस तरह से, 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब ये मेरा कितना हो जाएगा 6 11 0। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया जाए तो मेरा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस है वो मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा क्या है ए एक्स बी, वो क्या हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। देयरफॉर एक्स का वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, ए इनवर्स बी। अब क्या करते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स का हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। सिंस ए जो मेरा दिया गया है वो क्या है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ये मेरा ए दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो मेरा नॉन जीरो आता है तो आ जाएगा, तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, इसको हम लोग फर्स्ट रो के हम लोग एक्सपेंड कर दें तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो मेरा क्या हो जाएगा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, 1 + 6 - 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, तो होगा 0 - 3 + 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, हो जाएगा 0 - 1, तो कितना हो गया 6 + 1 7, ये हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा -1, तो 7 + 3 10 - 1 9, ये हो गया 9। तो यहां से क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया 9, और ये क्या इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसका कोफैक्टर। अब क्या है दिया गया मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, ये हो जाएगा कोफैक्टर एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए आर क्या होता है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब हम लोग इसका साइन को कंसीडर करने जानते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, जब मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का हो, 1 1 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा 1 + 6, ये हो जाएगा 1 + 6 = 7, 1 2 लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, 0 - 3, ये हो जाएगा 0 - 3, ये हो जाएगा +3, 1 3 के लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, 0 - 1, ये कितना हो जाएगा 0 - 1, तो क्या हो जाएगा -1, 2 1 के लेंगे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, हो जाएगा 1 + 2, हो जाएगा 1 + 2, ये हो गया मेरा -3, 2 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, 2 3 के लेंगे फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, -2 - 1, ये हो जाएगा -2 - 1, ये कितना हो गया 3 3 1 के ले लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो विल कैंसिल, तो जाएगा 3 - 1, हो जाएगा 3 - 1 = 2, 3 2 के लेंगे सेकेंड कॉलम थर्ड रो विल कैंसिल, हो जाएगा 3 - 0, 3 - 0 = क्या हो जागा? -3, 3 3 के लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 - 0, हो जाएगा 1 - 0 = 1। तो क्या करते हैं, लेट सी मेरा क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब इसका वैल्यू कितना आया है, ये मेरा कितना है 7 3 - 1 - 3 0
3, 2, minus 3, 1. Therefore, A क्या हो जाएगा? Adjoint of A is equal to, क्या होता है? Transpose of cofactor matrix. Transpose करेंगे 7, 3, minus 1, minus 3, 0, 3, 2, minus 3, 2, minus 3, 1. अब उसके बाद क्या निकालते हैं? Inverse. हम लोग जानते हैं, we know that A inverse is equal to, क्या होता है? Adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A divided by determinant of A का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या करेंगे? अभी हम लोग पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है. तो A मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा A inverse is equal to adjoint of A का वैल्यू कितना है? 7 minus 3, 2, 3, 0, minus 3, minus 1, 3, 1, divided by determinant का वैल्यू कितना है? 9. तो ये मेरा हो जाएगा A inverse is equal to 1 by 9, 7, minus 3, 2, 3, 0, minus 3, minus 1, 3, 1. ये मेरा क्या निकल चुका है? A inverse. अब इसका वैल्यू कहां पुट करेंगे? तो दिया गया जो जो हम माने थे इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट करेंगे. तो क्या करते हैं? फ्रॉम 1, क्या था? x is equal to a inverse b. x का वैल्यू क्या था? x y z. a inverse का वैल्यू कितना है? 1 by 9, ये 7 minus 3, 2, 3, 0 minus 3, 3, 0 minus 3, minus 1, 3, 1. And B का वैल्यू कितना है? 6, 11, 0. अब यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? 7, 6, 42, minus 33 और plus 0, second row, first column, 6, 3, 18, plus 0, plus 0. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा minus 6, प्लस 33 प्लस 0. अब ये मेरा हो गया 1 by 9. कितना हो जाएगा? 42 माइनस 33 कितना हो जाएगा? यार 9, फिर कितना है? 18, फिर 33 माइनस 6 ये हो जाएगा 27. यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा 9 by 9, 18 डिवाइडेड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 9. एक कट जाएगा तब 1, 2, 3. तब ये जो हम लोग का वैल्यू आया है, ये मेरा क्या है? एक्स वाई जेड वैल्यू कितना आया? 1, 2, 3. 1, 2, 3. देयरफॉर इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3. मतलब ये मेरा क्या आ गया? आंसर. अब ये एक्स वाई जेड क्या था? 3 नंबर. therefore लिख सकते हैं, therefore 3 नंबर्स आर 1, 2 and 3. ये जो आंसर क्या है, अगर 6 का 1 देखें. as similar क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन और दिया गया है, सेकंड एंड थर्ड, जो आप लोग से बन जाएगा. सिर्फ जो है उसको क्या करना, वर्ड प्रॉब्लम में उसको पहले जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालिएगा, फिर उससे क्या करना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है. तो उसमें जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सारा क्वेश्चन एक जैसा है, आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं. तो उसका लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसको दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करना है. तो क्या करते हैं? लेट ए, ये क्या होता है? वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है, 3, 1, 1, ये हो जाएगा 2, -1, -1, -1, -1, -1, 1. बी एक्स क्या होता है? वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, एक्स वाई जेड. एंड बी किसको मानते हैं? जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है, 3, 2, 1. अब क्या है, इस दिया गया मैट्रिक्स जो है इसको क्या करते हैं?
लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कि गिवेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, ऐसे लिख सकते हैं 3, 1, 1, 2, -1, -1, -1, -1, 1, फिर क्या है वहां पे एक्स वाई जेड, फिर क्या है 3, 2, 1, ये मेरा क्या है ए एक्स बी, तो हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेट ए, सो सिंस ए कितना दिया हुआ है 3, 1, 1, 2, -1, -1, -1, -1, 1, तो इसको जो है इनवर्स को एग्जिस्टेंस का चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हो जाएगा 3, 1, 1, 2, -1, -1, -1, -1, 1, इसको हम लोग क्या करते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम के हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ये मेरा क्या हो जाएगा 3 लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा -1, 3 लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और पहले से माइनस, फिर हो जाएगा -1, तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, -1, फिर हो जाएगा इसको लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा 2, -2, ये हो जाएगा -2, -1, तो कितना होगा 3, -2, -1, ये हो गया 1, +1, -3, ये हो गया -6, -1, -3, तो कितना हो गया -6, -1, -7, -3, -10, ये क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स क्या करने वाला है एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, इसका हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, तो क्या करते हैं को फैक्टर्स एलिमेंट ऑफ ए आर, दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग को फैक्टर एलिमेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब ये मेरा क्या हो जाएगा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अब क्या लेंगे 1, 1 के लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा -1, -1, ये क्या हो जाएगा यहां से -1, -1, -+ और पहले से माइनस, ये कितना हो गया -2, यदि 1, 2 के लेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा 2, -1, तो हो जाएगा 2, -1, क्या हो जाएगा -1, 1, 3 के लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसल -2, फिर कितना हो जाएगा -1, -2, -1, ये कितना हो गया -3, 2, 1 के लेंगे तो हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, हो जाएगा 1, +1, हो जाएगा 1, +1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -2, 2, 2 के लेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, तो कितना होगा 3, +1, ये हो जाएगा 3, +1 इज इक्वल टू 4, अब 2, 3 के लेंगे तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा यहां से -3, +1, -3, +1, तो क्या हो जाएगा -2, पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा 2, 3, 1 के लेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, यहां से हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1, और -1, तो ये मेरा क्या हो गया 0, 3, 2 के लेंगे तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, तो हो जाएगा यहां से -3, -2,
हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, ये कितना हो गया फाइव, थ्री थ्री की रहेंगी तो थर्ड रो थर्ड कॉलम मिलकर आंसर माइनस थ्री माइनस टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, एक और चेक कर थ्री टू के लिए चेक करते हैं इसके लिए तो कितना होगा थ्री टू में थ्री थ्री कह लेंगे तो क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू क्या हो गया माइनस फाइव, तो लेट सी क्या होता है को फैक्टर मैट्रिक्स सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री, ये हो जाएगा सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री। अब जो है इसका वैल्यू क्या आया है, यह है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये है माइनस टू फोर टू जीरो फाइव माइनस फाइव। अब इसके बाद दिया मैट्रिक्स को क्या निकालते हैं एडजॉइंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू फोर टू जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो फाइव माइनस फाइव। तो हम लोग क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया है, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है ए मेरा है माइनस टू माइनस टू जीरो माइनस वन फोर फाइव माइनस थ्री टू माइनस फाइव, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है माइनस टेन, तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन बाय टेन, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू जीरो माइनस वन फोर फाइव माइनस थ्री टू माइनस फाइव। अब हम लोग क्या करेंगे इस ए इनवर्स का वैल्यू किसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन क्या है फ्रॉम वन एक्स इज इक्वल टू था ए इनवर्स बी, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं ए इनवर्स और बी का वैल्यू, अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या है यहाँ से एक्स का वैल्यू वाई जेड, ए इनवर्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के रखा माइनस वन बाय टेन कितना है माइनस टू माइनस टू माइनस टू जीरो माइनस वन फोर फाइव माइनस थ्री टू माइनस फाइव, एंड बी का वैल्यू कितना है थ्री टू वन। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो कितना है माइनस वन बाय टेन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर, फिर प्लस जीरो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा यहां से माइनस थ्री प्लस एट प्लस फाइव, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव, सॉल्व करेंगे तो कितना है माइनस वन बाय टेन माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन कितना है एट और फाइव थर्टीन माइनस थ्री ये मेरा क्या हो गया टेन, फिर हो जाएगा माइनस नाइन माइनस फाइव माइनस फोर्टीन प्लस फोर ये हो गया माइनस टेन। अब यदि इसको डिवाइड किया जाए तो कितना है एक्स वाई जेड, तो माइनस टेन से इसको डिवाइड कर दें क्या माइनस टेन डिवाइडेड बाय माइनस टेन, फिर कितना है टेन डिवाइडेड बाय माइनस टेन माइनस टेन डिवाइडेड बाय माइनस टेन, तो कितना हो जाएगा वन माइनस वन वन। देयरफॉर यदि इन दोनों को इक्वेट किया जाए एक्स का वैल्यू वन वाई का माइनस वन एंड जेड का कितना हो गया वन, मतलब ये मेरा क्या आ गया आंसर। अब इसका हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया गलत, किसी भी लिनियर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स का वैल्यू कितना है वन
प्लस वाई का वैल्यू माइनस वन प्लस जेड का वैल्यू वन, तो थ्री माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, थ्री प्लस वन फोर माइनस वन कितना हो गया थ्री। देखिए आर एच इसके बराबर इसका आ गया है, इसका मतलब ये हम लोग का वैल्यू क्या आया है, सही आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।